आप और हम में कौन ऐसा आदमी है जिसके साथ उसकी बीवी के साथ झगड़ा ना हो रहा हो? जी हाँ, अगर आप लड़की हैं तो आप समझ ले आपके शौहर के साथ झगड़ा ही होता होगा, लेकिन ये झगड़ा एक वक्त में जाकर प्यार में तब्दील हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ एक ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद कासिम की, जिनकी उम्र 88 साल है और उनकी वाइफ जिनकी उम्र 63 साल बताया जा रहा है। किसी बात पर झगड़ा होने पर मोहम्मद कासिम ने चॉपर से धारदार हथियार से मारकर अपनी वाइफ को जिंदगी और मौत के बीच में लटकता हुआ छोड़ दिया। तो पूरी कहानी इस तरह है कि तिलजला के शिवतल्ला लाइन के रहने वाले मोहम्मद कासिम किसी बात पर झगड़ा होने पर अपनी वाइफ को, जिनकी उम्र 63 साल बताई जा रही है, उनको चॉपर से मारकर, जी हाँ बाकायदा चॉपर से मारकर उनके शकल को इस कदर जख्मी किया कि जब उनके बेटे मोहम्मद नौशाद ने अपनी माँ को लेकर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे हम चितरंजन के नाम से भी जानते हैं पाक सर्कस का, वहां लेके जाते हैं जहां डॉक्टर उन्हें इमीडिएटली एडमिट करते हैं और बताया जाता है कि खून बहुत बुरी तरह बहा है जिसकी वजह से अभी उनके जान को खतरा है। साथ ही मोहम्मद कासिम को कराया थाना डिटेन करती है क्योंकि वो कराया थाना के अंदर आते थे, और बताया जा रहा है कि मोहम्मद कासिम जो कि खुद ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के पेशेंट हैं, उन्होंने ऐसा किया। तो हुआ क्या होगा मामला और कैसे लोग इतने वायलेंट होते जा रहे हैं? बीवी शौहर का झगड़ा एक मामूली बात है और कहीं ना कहीं एक प्यार का रुख होता है, लेकिन ये प्यार नहीं हो सकता है जो आपके जान पर आ बने। तो आइए आपको सुनाते हैं पूरी खबर। ये बिल्डिंग का जाने का यही रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता ये बिल्डिंग का जाने का यही रास्ता है, वहाँ से भी ये बिल्डिंग का जाने का यही रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता। ये बिल्डिंग का जाने का यही रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता। ये बिल्डिंग का जाने का यही रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता।